अब एब्सोल्यूट जीरो सबसे पहले क्या चीज़ है? सबसे एब्सोल्यूट जीरो जो है आपका बेसिकली एक टेम्परेचर को हम कहते हैं। अब हम किस टेम्परेचर को कहते हैं, इसको समझने के लिए हम चार्ल्स लॉ को ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। और चार्ल्स लॉ ने हमें बेसिकली क्या कहा था, चार्ल्स ने ये कहा था कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यानी कि जिस तरीके से अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी अल्टीमेटली क्या होता जाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा। अब इसी हम रिलेशन को हम बेसिकली ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और एब्सोल्यूट जीरो को समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से मैंने जो है यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और इस एक्सिस पे मैंने क्या किया, टेम्परेचर की वैल्यूज़ को प्लॉट कर दिया, जिसके अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू बेसिकली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इसी तरीके से वाई एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम को प्लॉट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा आ गया वॉल्यूम जिसको मैंने वी ओ एल से शो किया। तो और ये जो पॉइंट है ये बेसिकली कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन का पॉइंट है। तो अब यहाँ पे अगर जिस तरीके से ये जो रिलेशन है वो बेसिकली डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे एक हमने स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन कर ली। अब यहाँ पे क्या किया, जब चार्ल्स ने ये स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन की तो इसने अपनी इस स्ट्रेट लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश की और उसने देखा कि भाई पीछे की तरफ मैं देखता हूँ कि मुझे जाके कौन सा पॉइंट मिलेगा। तो ये वो पॉइंट यहाँ पर आया कि जहाँ पे ये बेसिकली आपका एक्स एक्सिस था और ये आपका वाई एक्सिस था। और अब ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ऑन ग्राफ यानी कि एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई की वैल्यू क्या होगी, वो जीरो होगी, क्योंकि इस लाइन पर जब हम जा रहे हैं तो हमारा सिर्फ एक्स डिस्टेंस आएगा यानी कि एक्स यूनिट्स आएंगी। और इसी तरीके से जब हम वाई पे वॉक करेंगे या हम वाई एक्सिस की बात करें तो उसमें सिर्फ वाई की वैल्यू होगी, एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो उसने जब अपने इस ग्राफ को पीछे की तरफ प्लॉट किया तो पीछे की तरफ प्लॉट करने के बाद एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वो जीरो, वाई की वैल्यू क्या हो गई, वो जीरो हो गई। यानी कि बेसिकली वॉल्यूम का आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। और वो जो टेम्परेचर था वो कितना था, -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट बेसिकली इस एक्सिस पे वॉल्यूम क्या हो गया, वो जीरो हो गया। तो इसी टेम्परेचर को यानी कि -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो के बारे में लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना होगा, +273 ऐड करेंगे तो इसको आप जीरो केल्विन भी कह सकते हैं। और पहली चीज़ ये कि इसकी हमने वैल्यू की बात कर ली, दिस इज़ ज़ीरो केल्विन यानी कि ज़ीरो केल्विन। इसी तरीके से अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो बेसिकली ये जो आपका टेम्परेचर है वो क्या, कौन सा टेम्परेचर है, थ्योरेटिकल टेम्परेचर है। थ्योरेटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या है कि इसको आप प्रैक्टिकली इस टेम्परेचर को अटेन या अचीव बेसिकली नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये कौन सा टेम्परेचर है, थ्योरेटिकल टेम्परेचर। अब इसको क्यों अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि देखें ये जो चीज़ है बेसिकली गैसेस के भी क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। यानी कि जिस जिस तरीके से आप गैस का टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि गैस अपनी स्टेट चेंज कर लेगी और क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि गैस और यहाँ पर हमने लिख दिया लिक्विड, और ये किस तरीके से होगा, यानी कि यहाँ पर आपने जो क्या किया, लोवरिंग टेम्परेचर, जिस जिस आप टेम्परेचर उसका कम करते जाएंगे तो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम किसी भी गैस पे अगर ये प्रैक्टिकली इस टेम्परेचर को अप्लाई करना चाहें तो होता क्या है कि गैसेस इस टेम्परेचर तक पहुँचती नहीं है और इस टेम्परेचर पहुँचने से पहले ही वो क्या हो जाती हैं, लिक्विड बन जाती हैं। अब ये वाला टेम्परेचर यानी कि जो एब्सोल्यूट जीरो है वो किसके बारे में बात की जा रही होती है, वो बात की जा रही होती है गैसेस के बारे में। तो इस तरीके से इस टेम्परेचर को, क्योंकि अब वो गैस लिक्विड बन गई है, तो अब इसको अटेन करना प्रैक्टिकली क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो वॉल्यूम हमने कहा है कि वॉल्यूम जो हो गया वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, विल बी ज़ीरो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपका वॉल्यूम ज़ीरो होने का मतलब ये था कि अब वो चीज़ जगह ही नहीं कर रही है, यानी कि जो आपका मास था वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो प्रैक्टिकली मतलब अगर, और ये क्या है, ये अगेंस्ट है किसके, इट इज़ अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास कंजर्वेशन के लॉ के, मास ऑफ कंजर्वेशन के लॉ से क्या ये अगेंस्ट है। क्यों, क्योंकि ना तो मास को बनाया जा सकता है और ना ही मास को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये लॉ ये कह रहा है कि -273 पे अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर ले जाएं तो उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, यानी कि उसका मास ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ थी एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, और ज़ीरो का मतलब ये होता है कि हमने उसका वॉल्यूम बेसिकली उस टेम्परेचर पर क्या होता है, हो जाता है किसी भी गैस का ज़ीरो हो जाता है। और प्रैक्टिकली इस टेम्परेचर को अटेन करना क्या है, वो इम्पॉसिबल है।